नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तीनों देवताओं के श्रेष्ठता की कहानी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगेगी और इस कहानी से आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी। तो देरी ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो इस कहानी के मुख्य पात्र महर्षि भृगु, तो महर्षि भृगु के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के मानक पुत्रों में से एक थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो महर्षि दक्ष के पुत्र थे। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि थे। सावन व भाद्रपद के मास में वह सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी में और श्री विष्णु जी में और श्री शिव जी में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देखकर उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और ब्रह्मा जी के मानक पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी को बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आँखों में अंगारे महकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से शांत कर लिया। फिर वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। फिर इसके बाद भृगुमनु विष्णु लोक वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु ने जाते ही भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। भक्त बक्सर भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण को सहलाने लगे और कहने लगे, भगवान आपके पाँव में कहीं चोट तो नहीं लगी, कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान ना था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों का पवित्र करने वाला है। आपके चरणों से स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री हरि के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में ये लीला ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं, विश्व के संदेहों को मिटाने के लिए उन्होंने ये लीला रची थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट कर जरूर बताएं। इस कहानी का सारांश क्या था आपका मालूम हो तो प्लीज़ बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसी कहानियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।